Hello students, welcome back once again. I hope everybody is doing good. और lectures आप ध्यान से follow कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ. So sequence and series chapter के हम आखिरी पढ़ाव पर हैं, है ना? हमें last segment इस topic का discuss करना है, that is summation series, है ना? Last lectures जो हुए थे हमारे, वो हुए थे relation between AM, GM and HM. और उसके बाद मैंने आपको बताया था AGP series, arithmetic, geometric progression, है ना? उसका सम ऑफ एन टर्म्स एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन केजीपी इतना हम डिस्कस कर चुके थे. अब लास्ट टॉपिक आता है, वो है समेशन. तो क्या होता है समेशन, देखिए समेशन बेसिकली सिंबल कैसे होता है. इस तरीके से हम समेशन के साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? ये तो हो गया समेशन का सिंबल या रिप्रेजेंटेशन. अब बेसिकली समेशन का मतलब क्या होता है, समेशन इसमें मतलब देखो सम, है ना? सम मतलब जोड़, तो समेशन का मतलब होता है जोड़, मतलब हमें जोड़ना है ना, सीरीज सीक्वेंस को जोड़ के जाना है कहां से कहां तक, जहां से शुरुआत हो रही है वहां से अंत तक, है ना? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है समेशन ऑफ आर स्टार्ट फ्रॉम वन गोज टिल एन, है ना? किसकी बात हो रही है, आर की बात हो रही है. तो आर कहां से स्टार्ट हुआ, एक से स्टार्ट हुआ, एन तक जा रहा है. तो कैसे इसको, जैसे वन प्लस टू प्लस 3 plus 4 plus 5 and so on till आखिरी नंबर होगा n. तो जिसकी भी बात हो रही है उसका मतलब जहां से उसने शुरू किया है और जहां पर उसने खत्म किया है वहां पर हमें इसको क्या करना है, जोड़ते जाना है. तो इसका मतलब होता है समेशन, ठीक है? तो ये तो हो गया बेसिक ऑफ समेशन, ठीक है? अब कुछ चीजें समेशन में कि नेचुरल नंबर्स का सम किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कैसे एक्सप्रेस करते हैं. तो देखिए सबसे पहले क्लास टेंथ में आपने पढ़ा होगा ये चीज, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव एंड सो ऑन टिल एन इज ऑलवेज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, है ना? ये क्या है, नेचुरल नंबर के, नेचुरल नंबर्स का सम है एन तक, सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स टिल एन टर्म्स, है ना? नेचुरल नंबर का एन तक का टर्म्स तक का सम क्या होगा, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, है? अब देखो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ समेशन, है ना? यहाँ लिख सकता हूँ कुछ भी नाम दे दो, जैसे आर नाम दे दिया, आर स्टार्ट हो रहा है वन से, आर जा कहां तक रहा है, एन तक, बात किसकी हो रही है, आर. तो वो किसके इक्वल है, तो वो इक्वल है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय. तो हम देखो सीक्वेंस को देखकर, इस सीक्वेंस को आपको ऐसे समेशन के फॉर्म में उसको शक्ल देनी होगी, है ना? यह बात का टास्क ये आपको बनाना होगा, ना? तो बहुत आसान है, एक दो तीन चार पांच छह सात जुड़ता जा रहा है तक, तो उसको समेशन के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, एक से स्टार्ट हुआ एन तक गया कौन, आर, तो किसके इक्वल हो गया, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय. आप चेक कर लीजिए, अच्छा अगर मैं ये एन की वैल्यू मान लो वन डालता हूं, अगर मैं एन की वैल्यू वन डालता हूं तो ये सीरीज कहां तक जाएगी, यहीं तक रुक जाएगी, है ना? और यहां तक इस सीरीज का जोड़ कितना है, एक ही है, डालो एन की वैल्यू वन डालो यहां पर, तो देखो वन इंटू वन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, वन प्लस वन टू होता है, टू से टू कैंसिल हो गया वन आ गया, है ना? अगर मैं एन की वैल्यू टू डालता हूं तो ये सीरीज कहां तक जाएगी, यहां तक जाएगी, है ना? और टू डालने पर इस सीरीज का सम कितना हो रहा है, थ्री हो रहा है. देखो ना वन प्लस टू कितना होता है, थ्री. अब डालिए यहाँ एन का वैल्यू, तो टू इंटू टू प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, टू से टू कैंसिल कितना आ गया, थ्री आ गया. अगर मैं एन की वैल्यू थ्री डालता हूं तो ये सीरीज यहां तक जाएगी, है ना? और तीन डालने पर इस सीरीज का सम कितना हो गया, छह हो गया. डालिए आप इधर, थ्री इंटू थ्री प्लस वन फोर होता है डिवाइडेड बाय टू, ये टू कट गया, थ्री टू दैट सिक्स, है ना? तो इसलिए हम बोलते हैं समेशन ऑफ नेचुरल नंबर, एक से लेकर एन तक के नेचुरल नंबर का सम,
कितना है आपका, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखेंगे, n into n plus 1 divided by 2, ठीक है? ओके, इसी तरीके से, चलो ये तो हो गया नेचुरल नंबर का समेशन। अब देखो इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ ना, नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल n टर्म्स, n टर्म्स का स्क्वायर का, नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम क्या होता है, इसके लिए एक्सप्रेशन n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, क्या होता है इसके लिए, n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6। अब इसको समेशन के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, समेशन वही r 1 से स्टार्ट हो रहा है, r जा रहा है n तक, और बात अब हो रही है r स्क्वायर, चेकअप 1 डालूंगा तो 1 स्क्वायर, फिर 2 डालूंगा तो 2 स्क्वायर, फिर 3 डालूंगा तो 3 स्क्वायर, है ना, इस तरीके से समेशन ऑफ r स्क्वायर वेयर r स्टार्ट्स फ्रॉम 1 गोस टू n इज इक्वल टू n into n plus 1 into 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है? तो ये हमें पता है, देखो जल्दी हमेशा जैसे स्टैंडर्ड क्या है, 1 से शुरुआत हो रही है n तक जाना है ना, 1 से शुरुआत हो रही है और n तक जाना ही जरूरी है, ठीक है? तो ये हो गया नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम। फिर अब क्यूब का है ना, अब क्यूब का डिस्कस करेंगे, जो गया ये हो गया। अब देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड सो ऑन टिल n टर्म्स इज इक्वल टू कितना, n into n plus 1 डिवाइडेड बाय, देखो ये जो है ना 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर का जो सम है, इसका जो एक्सप्रेशन आया n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर करते हैं, इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर कर दोगे तो आपको नेचुरल नंबर के क्यूब का सम पता चल जाएगा, है ना? अब देखो अगर मैं n की वैल्यू, चलो 1 डाल के तो 1 ही आया, 2 डाल दिया, n की वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूं तो ये सीरीज कहां तक जाएगी, यहां तक जाएगी, और 2 डालने पर इस सीरीज का सम कितना होगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में 1 जोड़ने पर 9 आता है ना, तो इस सीक्वेंस का यहां तक का जोड़ कितना आया, 9 आया, कितना क्या डालने पर आया, n का वैल्यू 2 डालने पर, अब डालने और पर 2, तो देखो 2 यहां डालोगे तो 2 into 2 plus 1 3 divided by 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 का स्क्वायर 9 है ना, यहां तक का जोड़ 9, मतलब बिल्कुल सही, इसी तरीके से आप यहां पर भी वेरीफाई करवा सकते हो, ये चीज बहुत ही आसान है ना। तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, ये तीनों रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। अच्छा आप इसको समेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान है, अब तो आप लिख सकते हो समेशन ऑफ r स्टार्ट्स फ्रॉम 1 गोस टू n r क्यूब इज इक्वल टू n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है? ये हो गया नेचुरल नंबर के क्यूब का सम। ओके ठीक है, ये नेचुरल नंबर का सम, ये इनके स्क्वायर का सम और ये इनका क्यूब का सम, ठीक है? चलिए आगे की बात डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो, अभी जो हमने किया नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर एंड नेचुरल नंबर का क्यूब, अब देखते हैं अगर कोई नंबर है जैसे 1, 1 पे मैंने 1 जोड़ा, फिर मैंने 1 जोड़ा, मतलब सेम नंबर जुड़ता जा रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स, n टर्म्स, ठीक है? तो क्या आएगा, 1 1 1 1 1 को मैं n तक जोड़ना चाहूंगा तो क्या आएगा, n ही आ जाएगा, चेक करो आप, है ना? फॉर एग्जांपल अगर मैं n का वैल्यू 1 डालता हूं तो ये सीरीज यहां तक जाएगी, और 1 तक का जोड़ कितना होगा, 1, अगर मैं n का वैल्यू 2 डालता हूं तो ये सीरीज कितना चली जाएगी, यहां तक चल जाएगी, और 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2, देखो 2 डालने पर, n का वैल्यू 3 डालने पर यहां तक का सम 3 हो जाएगा। तो अगर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मैंने n टाइम्स जोड़ा तो मुझे क्या मिलेगा, n मिल जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से आप जोड़ो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 एंड सो ऑन टिल n टाइम्स या n टर्म्स, कितना आ जाएगा, 2n आ जाएगा, चेक कर लीजिए, है ना? डालो n का वैल्यू 1,
टू आंसर। एन का वैल्यू टू डालोगे तो कितना आएगा, चार। टू डालोगे तो सीरीज यहां तक जाएगी, चार। थ्री डालोगे तो सीरीज यहां तक जाएगी, छह आएगा आंसर, है ना। फोर डालोगे तो आठ आएगा आंसर। तो टू को अगर एन टाइम छोड़ना तो टू आएगा। इसी तरीके से थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री अप टू एन टाइम्स या एन टर्म्स कितना आ जाएगा, थ्री एन आ जाएगा, है ना। अब आप समझ गए, तो टेन प्लस टेन प्लस टेन प्लस टेन अप टू एन टाइम्स टेन एन आ जाएगा, है ना। तो देखो आप जनरल समेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो समेशन समेशन किसका समेशन कर रहे हैं हम यहां पर, किसका समेशन कर रहे हैं, वन का समेशन कर रहे हैं ना। तो वन का समेशन कहां से लेकर कहां तक, वन वन से लेकर एन तक, है ना, वन से लेकर एन तक, तो क्या आ जाएगा, एन ही आ जाएगा, ठीक है। समेशन ऑफ वन, तो यहां पर जैसा हमने देखा वन 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 को जोड़ते जाना है एन तक, तो समेशन ऑफ वन, है ना। तो इसके लिए हम कहते हैं वन की बात होगी तो वन से लेकर एन तक, वन से लेकर एन तक वन का समेशन एन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप बोल सकते हो वन से लेकर एन तक टू का समेशन कितना आ जाएगा, टू एन आ जाएगा, है ना। और समेशन ऑफ थ्री वन से लेकर एन तक कितना आ जाएगा, थ्री एन आ जाएगा। तो क्या मैं आपकी जनरल रिजल्ट बोल सकता हूँ, जनरल रिजल्ट समेशन ऑफ के वन से लेकर एन तक, के कॉन्स्टेंट है ना, तो क्या आ जाएगा, के एन आ जाएगा, है ना। चेक कर लीजिए आप, वन के लिए एन, टू के लिए टू एन, थ्री के लिए थ्री एन, टेन के लिए टेन एन, तो कोई भी के होगा तो के लिए के एन, है ना। तो ये जनरल रिजल्ट याद रखिए, ठीक है, ओके। तो अब देखिए कुछ छोटी छोटी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कोई सीक्वेंस का समीशन करना है, यहाँ टी आर लिख देता हूं, वेयर आर स्टार्ट्स फ्रॉम वन गोज़ टू एन, टी आर का समीशन, है ना। तो वैसे आपको पता है इसका मतलब क्या है, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री एंड सो ऑन टिल टी आर। अब मान लीजिए यहां पर कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं ये बोल रहा हूं समीशन करना है आपको, कोई कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लाई बाय टी आर और आर है वन से लेकर एन तक, तो आप क्या कर सकते हो, इस कॉन्स्टेंट को समीशन के बाहर रख सकते हो, ये प्रॉपर्टी है समीशन, कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा सिंपली समीशन ऑफ आर स्टार्ट फ्रॉम वन गोज़ टू एन टी आर, है ना। ये कर कॉन्स्टेंट को आप बाहर रख सकते हो, ये प्रॉपर्टी है समीशन की, है ना। नेक्स्ट, मान लो आपको दो सीक्वेंस का समीशन एक साथ करना है, मतलब ऐसा देखा है समीशन ऑफ ए आर प्लस बी आर, इस तरीके से दो चीजों का एडिशन दे रखा है या माइनस भी हो सकता है, ठीक है। और आर की वैल्यू वही आर वन से लेकर एन तक जा रहा है, तो आप इसको सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हो, समेशन ऑफ आर स्टार्ट फ्रॉम वन गोज़ टू एन ए आर प्लस समेशन ऑफ आर स्टार्ट फ्रॉम वन गोज़ टू एन बी आर, है ना। ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन, ठीक है। तो समेशन हम इस तरीके से भी कर सकते, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एडिशन और सबट्रैक्शन के लिए ये समीशन इस तरीके से मतलब आप इसको अलग अलग सेपरेट करके अलग अलग समीशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ समीशन। तो ये सब था बेसिक्स अबाउट समीशन, आई होप आप सबको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। समीशन में हमने क्या पढ़ा है, बेसिक मतलब समीशन का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स एंड नेचुरल नंबर के क्यूब का सम एन के टर्म्स में क्या आता है, समेशन की फिर मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई, और अब कुछ क्वेश्चंस के मीडियम से हम इस टॉपिक को आज और अच्छे से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हमें करना है इवैल्यूएट, है ना, हमें इवैल्यूएट करना है समेशन आर स्टार्ट फ्रॉम वन गोज़ टू एन फोर आर प्लस थ्री, ऐसा नहीं हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए समेशन ऑफ फोर आर प्लस थ्री वेयर आर स्टार्ट फ्रॉम वन गोज़ टू एन, तो सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो समेशन ऑफ आर स्टार्ट फ्रॉम वन गोज़ टू एन फोर आर प्लस समेशन ऑफ आर स्टार्ट फ्रॉम वन गोज़ टू एन थ्री, है ना, अलग अलग करके लिख सकते हैं।
अब मैंने आपको बताया समेशन के कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम समेशन के बाहर रख सकते हैं, तो 4 को बाहर रख देंगे समेशन, और r स्टार्ट फ्रॉम 1 गोस टू n r इस तरीके से लिख देंगे, प्लस ये देखो 1 से लेकर n तक k का समेशन, k मतलब ये 3 हो गया ना, ये तो 1 से लेकर n तक 3 का समेशन क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, इसका आंसर तो डायरेक्ट आ गया। अगर यहाँ 4 लिखा होता तो 4n आ जाता, 5 लिखा होता तो 5 क्योंकि 1 से लेकर n तक कर रहे हैं, तो 3n, इसका आंसर तो डायरेक्ट 3n आ गया है ना। कैसे आगे कैसे बोला हमने, ये हमने पढ़ लिया ना, 1 से लेकर n तक k का समेशन क्या होता है, km होता है ना, ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट 3n आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए 4 1 से लेकर n तक r का समेशन क्या हो जाएगा, n into n plus 1 डिवाइडेड बाय प्लस 3, ये हो गया मेरा आंसर। अब इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, 4 से 4 2 से 4 2 गेट्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आ गया मेरे पास 2n into n plus 1 plus 3n, ठीक है। मैं चाहूं तो दोनों में से n को कॉमन ले सकता हूं, तो मेरे पास बच जाएगा 2n plus 2 plus 3 इस तरीके से हाँ? तो अब फाइनल आंसर देते हैं, तो 2n plus 5 फाइनल आंसर होता है, तो ये समेशन आ जाएगा इसका, ये इवैल्यूएट कर दिया हमने, हाँ? तो काफी इजी है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें बेस्ड, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समेशन ऑफ r स्टार्ट्स फ्रॉम 1 गोस टू 10 है ना, अब यहां पे n का वैल्यू मैंने 10 दे दिया, मतलब सीधी कहां तक जा रही है 10 तक, और हमें निकालना है 6r माइनस 4 इस बार, ठीक है, इवैल्यूएट करना है। तो कैसे करते हैं भाई, वही अलग अलग कर लो, पहले तो r स्टार्ट्स फ्रॉम 1 गोस टू 10 6r माइनस समेशन ऑफ r स्टार्ट्स फ्रॉम 1 गोस टू 10 4 है ना, तो 6r, तो 6 बार हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक का r का समेशन, फॉर्मूला क्या होता है 10 into n plus 1 divided by 2, अब यहां पे n का रोल 10 प्ले कर रहा है, तो हो जाएगा 10 into 10 plus 1 is 11 divided by 2 है ना, ये तो हो जाएगा इसकी कैलकुलेशन, और इसकी कैलकुलेशन 1 से लेकर 10 तक k का समेशन kn होता है, तो 1 से लेकर 10 तक 4 का समेशन कितना हो जाएगा, 4 into 10 that is 40 40 आएगा, देखो 1 से लेकर 10 तक मतलब 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 10 टाइम्स, 10 बार अगर आप 4 को तोड़ोगे तो 40 ही आएगा है ना, ये काट के पहले तो 2 10 11 100 110 110 3 330 माइनस 4 10 जो 40, तो आंसर हो गया मेरा 29, ठीक है, तो है ना आसान, काफी मजेदार भी है, इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समेशन ऑफ r स्टार्ट्स फ्रॉम 1 गोस टू 10 और ऐसा दे रखा है ब्रैकेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन टिल r डिवाइडेड बाय r, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इसका समेशन निकालना। तो इसका समेशन करने के लिए सबसे पहले ना ये देखो आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू r तक है ना, तो देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू r क्या हो जाएगा, r इनटू r प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा कि नहीं होगा भाई, यार n होता है तो n इनटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये 1 प्लस 2 r तक जा रहा है, तो ये इस तरीके से होता है डिवाइडेड बाय r तक का बार, तो देखो सबसे पहले ये होता है ऐसा हो जाएगा r स्टार्ट्स फ्रॉम 1 गोस टू 10 एक दो तीन चार आर तक जोड़ने पर क्या आता है, आर इंटू आर प्लस वन डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय आर है ना, तो ये तो आर आ ही रहेगा, तो आर से ये आर कैंसिल हो गया, अब मेरे पास क्या बचा, आर प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, डिवाइडेड बाय टू को वन बाय टू कॉन्स्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ समेशन के बाहर, और इसको लिख देता हूँ आर स्टार्ट फ्रॉम वन गोस टू लेफ्ट आर प्लस वन, ठीक है, अब इसका समेशन करना है ना, सो अब देखिए 1 by 2 तो बाहर है, एक ब्रैकेट लगा देते हैं, समेशन ऑफ r स्टार्ट्स फ्रॉम 1 गोस टू n r प्लस समेशन r स्टार्ट्स फ्रॉम 1 गोस टू n 1, 1 से लेकर n तक r का समेशन क्या हो जाएगा, n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2, और 1 से लेकर n तक 1 का समेशन कितना हो जाएगा n, तो देखिए तो ये हो गया 1 by 2, ये तो बाहर है, इसे
ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू और ये हो जाएगा n। ठीक है, आगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो आगे सॉल्व करने के लिए आसानी है, वन अपॉन टू तो बाहर ही है, ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू एन, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस थ्री एन। चेक कर लीजिए, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू एन थ्री एन डिवाइडेड बाय टू, तो ये टू जहां पर बाहर जाके वन बाय फोर बन जाएगा, तो आंसर हो जाएगा वन बाय फोर इंटू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके समीशन फॉर्म में लेके आ गए और फिर सेपरेट सेपरेट समीशन करके हमने इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसका कर लेंगे, ऐसा ही केस। ये क्वेश्चन है, फाइंड समीशन ऑफ r starts from 1 goes to n, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड सो ऑन प्लस r का क्यूब डिवाइडेड बाय r into r प्लस 1, ये हर सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको पता ही है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब यानी एक्चुअल नंबर के क्यूब का सम 1 से लेकर r क्यूब तक क्या हो जाएगा, वहां n होता था तो हम n into n plus 1 divided by 2 का स्क्वायर लिखते थे, यहां पर r के टर्म्स में रखा है तो सबसे पहले ये हो जाएगा r into r plus 1 divided by 2 का होल स्क्वायर अपॉन r into r plus 1 समेशन ऑफ r स्टार्स फ्रॉम 1 गोस टू n, जो फॉर्मूला है वो पुट कर दिया आपने ना। अब इसको खोल देंगे तो ये देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर r स्क्वायर है r प्लस 1 का स्क्वायर आया तो नीचे ये r और r प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और 1 बाय 2 का स्क्वायर 1 बाय 4 होगा तो 1 बाय 4 बाहर आ जाएगा, इधर बचेगा समेशन ऑफ r स्टार्ट फ्रॉम 1 गोज टू n r into r प्लस 1, ऐसा बचेगा 1 बाय 4 बाहर करिए, एक ब्रैकेट लगाइए, समेशन लिखिए r स्टार्ट फ्रॉम 1 गोज टू n लिखिए, r into r मतलब r स्क्वायर प्लस summation of r starts from 1 goes to n r into 1 is r। ठीक है, bracket close। अब आपको पता है r square का summation भी पता है और r का भी summation पता है, 1 से लेकर n तक, r square क्या होगा n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 और ये होगा n into n plus 1 divided by 2, इसको solve कर रहा है तो 1 by 4 in bracket n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 प्लस एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, इसको सॉल्व करना है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब देखो सॉल्व करने के लिए इन दोनों में से कॉमन देखो, ये 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 और सिक्स और टू में टू कॉमन है तो यानी एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू कॉमन है। अब मैं कॉमन लेने वाला हूं एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, ये मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्री, 2n plus 1 divided by 3 बचेगा और इधर से plus 1 बचेगा, इसकी कैलकुलेशन हम कर देंगे हमारे को हमारा आंसर पता चल जाएगा, ये हो जाएगा n into n plus 1 divided by 8, 4 to the 8 होता है, into 2n plus 1 plus 3, 2n plus 4 होता है, divided by 3, है ना, 8 से जा 24 होता है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n into n plus 1 और ये 2n plus 4 को मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ और लिख सकता हूँ n plus 2 और यहाँ होल डिवाइडेड बाय 8 3 जा 24 अब फाइनली मैं लिख सकता हूँ n into n plus 1 डिवाइडेड into 2n sorry n into n plus 1 into n plus 2 डिवाइडेड बाय 16 sorry 2 से 24 12 का आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पर आंसर आ गया, देख लीजिए आप n into n plus 1 upon 8, यहाँ पर आएगा 2n plus 4 divided by 3, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 को बाहर दिया तो n plus 2 बन गया, 2 से 24 कर दिया तो 12 आ गया, ये हमारा आंसर होगा, है ना। तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ये तो बेसिक क्वेश्चन थे, अब हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 30 का स्क्वायर, है ना। मतलब मुझे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 30 के स्क्वायर तक का जोड़ बताना है। तो जाहिर सी बात में ऐसा करना तो बैठूंगा ना 9 में 16 और 25 और 36, है ना, इस तरीके से जोड़ेंगे 49 और लास्ट में 30 का स्क्वायर यानी 900। इन सबको जोड़ने बैठोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। इसीलिए तो समेशन पढ़ा जाता है कि जल्दी से हमारा काम हो जाए। तो दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में, दिक्कत क्या है कि यार शुरुआत 3 से होती है जबकि शुरुआत होनी किससे चाहिए थी, 1 से होनी चाहिए थी। तो ये 3 से मतलब 1 और 2 तो है नहीं, इसमें 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर है नहीं। तो थोड़ा सा इसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इसको मैं रिवाइज करके ऐसे लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 30 का स्क्वायर। जबरदस्ती मैंने 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इसको ऐड कर दिया, एक ब्रैकेट करा देता हूँ, ऐसे ब्रैकेट करा देता हूँ और फिर माइनस कर देता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्या बोल रहे हो, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। देखो जो मैंने किया है वो मैंने यहाँ पर बैलेंस भी कर दिया है। ये करने से मुझे क्या फायदा मिला, देखो ये 1 से स्टार्ट हो गया 30 तक जा रहा है और ये स्क्वायर है। क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, समेशन ऑफ r स्टार्ट्स फ्रॉम 1 गोज टिल 30 r स्क्वायर, चेक करेंगे ना। 1 से शुरुआत हुई 1 का स्क्वायर, फिर 2 आएगा 2 का स्क्वायर और लास्ट में क्या आएगा 30 का स्क्वायर, है ना। और इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ r स्टार्ट्स फ्रॉम 1, r की शुरुआत 1 से हुई, है ना, ये भी r स्क्वायर ही है बेसिकली, r की शुरुआत 1 से हुई और जहां कहां तक आई 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर है ये 2 का स्क्वायर है, 1 से शुरुआत हुई 2 का स्क्वायर r स्क्वायर। तो बेसिकली इसके लिए तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसके लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं, इसको तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ना। अरे ये तो आप डायरेक्टली जोड़ सकते हो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 प्लस 4 यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये चीज को 5 हो जाएगी, है ना, ये चीज 5 हो जाएगी। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो समेशन ऑफ r स्टार्ट्स फ्रॉम 1 गोस टू 2 r स्क्वायर, चेक करो ये 5 ही आने वाला है ना। क्या फॉर्मूला होता है, n * n + 1 * 2 n + 1 डिवाइडेड बाय 6, n का रूट कौन से कर रहा है 2, तो यहां डाल दीजिए, देखो 2 * 2 + 1 3 * 2 n + 1 यानी 2 * 2 4 + 1 5 डिवाइडेड बाय 6, 2 से 3 कट जाएगा 6 से 5 आ जाएगा, है ना। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो चाहो तो। चलो लिखी तो समेशन पढ़ रहे थे, है ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर भी मैं लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ r स्टार्ट्स फ्रॉम 1 गोस टू 2 r स्क्वायर, है ना। इस तरीके से दो अलग अलग समेशन मैंने बना दिए, अब फॉर्मूला लगा तो आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हो जाएगा क्या फॉर्मूला होता है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम क्या होता है, n * n + 1 * 2 n + 1, तो ये हो जाएगा 30 * 30 + 1 31 into 2n that is 2 3 4 2 30 60 60 plus 1 61 divided by 6, है ना, n into n plus 1 into 2n plus 1 n हो गया 30, n plus 1 हो जाएगा 31 और 2n plus 1 हो जाएगा 61 divided by 60 minus, यहाँ पे भी वही चीज कर लोगे, n n का मतलब 2, n plus 1 का मतलब 3 and 2n plus 1 का मतलब 5 divided by 6, हाँ, इसकी कैलकुलेशन कर देंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन करते वक्त 6 से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये चीज तो 5 ही बन जाएगी, माइनस का साइन है और इसकी कैलकुलेशन करने के लिए 6 से 30 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और बाकी आगे आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 31 * 15 कर दीजिए, मतलब 310 + 155 465 465 * 61 माइनस और यहाँ 5 बचेगा, 5 * 31 155 हो जाएगा, है ना, 155 * 61 माइनस 5, तो 155 * 61 कर दीजिए पहले, तो ये 155 क्या जाएगा और 6 की टेबल में ये 0, फिर ये 3 टाइम्स 6 5 का 30 और 333 कैरी 3, तो ये इस तरीके से 930 हो जाएगा।
थोड़ा अच्छा सवाल है, इवैल्यूएट हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, फिर प्लस 98 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यानी साइन ऐसा चलता जा रहा है और एक एक नंबर कम होता जा रहा है स्क्वायर का ना। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये स्क्वायर की सीरीज है ना, नेचुरल नंबर की स्क्वायर की सीरीज है। लेकिन उसके लिए पहले इसको हमें ढंग से जमाना होगा। तो देखो सारे इवन को मैं एक तरफ लिखता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 100 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर प्लस लास्ट होगा 2 का स्क्वायर, ऐसा एक ब्रैकेट मैंने इसके लिए लगाया, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो माइनस 99 स्क्वायर, माइनस 97 स्क्वायर, माइनस 95 स्क्वायर, तो इन सब में माइनस कॉमन है और एक ब्रैकेट लगा के मैं ऐसे लिखूंगा 99 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर प्लस 95 का स्क्वायर प्लस 93 का स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल 1 का स्क्वायर, माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये सब प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये भी प्लस, ये भी प्लस। अच्छा अब मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 100 का स्क्वायर, है ना। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। माइनस इसको ऐसे किया जा सकता है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 99 का स्क्वायर। अब मुझे ये पता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल r का स्क्वायर, है ना, या बेसिकली n टाइम्स, n टर्म्स, लास्ट नंबर स्क्वायर फॉर्म ही होगा, आर स्क्वायर ही होगा। तो ये क्या होता है, हमारा ये क्या होता है समेशन, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है, n इनटू n प्लस 1 अपॉन इनटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 होता है। लेकिन ये देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इस तरीके से होता है, समेशन ऑफ आर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 गोस टू n आर स्क्वायर है, ठीक है, ये है आर स्क्वायर। तो दिक्कत क्या है, ये तो क्या है इवन टर्म्स के स्क्वायर का सम और ये क्या है ऑड टर्म्स के स्क्वायर का सम, तो हमेशा याद रखो, ठीक है। अब देखो इसको अगर मुझे समेशन का फॉर्म बनाना है तो कैसे लिखूंगा, देखो समेशन ऑफ आर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 गोस टिल n, तो यहां आपने क्या रखूंगा, जैसे यहां पे मैंने आर का वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर आता है, आर का वैल्यू 2 रखता हूं तो 2 का स्क्वायर आता है, तो मैं यहां आर का वैल्यू क्या रखूंगा कि मुझे 2 का स्क्वायर मिले, तो देखो क्या आएगा, ये 2 आर का स्क्वायर आएगा, चेक करो होगा कि नहीं, क्योंकि अब हम बात इसकी कर रहे हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के लिए तो क्या निकाला मैंने r स्क्वायर, लेकिन 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर के लिए क्या दूंगा 2r का स्क्वायर, चेक करो आप r की वैल्यू में 1 डालूंगा यहां पर तो क्या आएगा 2 * 1 2 का स्क्वायर, r की वैल्यू में 2 डालूंगा तो 4 का स्क्वायर, r की वैल्यू में 3 डालूंगा तो 6 का स्क्वायर, है ना, 1 डालूंगा तो 2 का स्क्वायर, 2 डालूंगा तो 4 का स्क्वायर, 3 डालूंगा तो 6 का स्क्वायर, तो 100 इस पे आया होगा 50 पे आया होगा, चेक कर लीजिए आर की वैल्यू जब मैं यहां पर 50 डाला होगा 2 इंटू 50 100 का स्क्वायर, है ना, इस तरीके से। तो समीशन ऑफ आर स्टार्ट फ्रॉम 1 गोस टू 50 2 आर का स्क्वायर, ये हो गया इस सीरीज का समीशन, है ना। तो ये हो गया इवन 2 से स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, इसका समीशन हो गया ये। तो अब देखो इसका क्या होगा, फिर 2 1 से 1, 2 से कितना 1 छोटा है, 4 3 से 1 छोटा है, 6 5 से 1 छोटा है, है ना, 199 से 1 छोटा है, तो क्या मैं इसको 2r - 1 लिख सकता हूं, क्या चेक करो। अब देखो इसको मैं लिखूंगा ऐसे समेशन ऑफ r स्टार्ट्स फ्रॉम 1 गोस टू 50 ही आएगा और इसको अंदर में नाम दूंगा 2r - 1 का स्क्वायर, चेक करो कैसे क्या कैसे नाम दें, ये नाम देना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, जो हम समेशन बनाते हैं ना
सीक्वेंस को देखकर समेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लिखे बनाना। अब देखो आप जब मैं यहाँ आर का वैल्यू वन डालूंगा तो टू इन टू वन टू, टू माइनस वन वन का स्क्वायर, जब टू डालूंगा तो फोर, फोर माइनस वन थ्री का स्क्वायर, जब थ्री डालूंगा तो थ्री, टू थ्री का सिक्स, सिक्स माइनस वन फाइव का स्क्वायर, जब फिफ्टी डालूंगा तो हंड्रेड माइनस वन नाइनटी नाइन का स्क्वायर, ऐसा हो जाए है ना। तो ये हो गया अलग अलग समेशन। अच्छा अब इसको देखो वापस, ये तो मैं लिख सकता हूँ आर स्टार्ट फ्रॉम वन गोज टू फिफ्टी, टू आर का स्क्वायर, ये बाहर फोर आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन पहले इसको मैं खोल देता हूँ माइनस, ये क्या हो जाएगा देखो, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए, इसी तरीके से इसको खोल देंगे हम, है ना। ये हो जाएगा फोर आर या ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो आप, समेशन ऑफ टू आर का स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर आर, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हमारा समेशन ऑफ आर स्टार्ट्स फ्रॉम वन गोज़ टू 50, इसको मैंने खोल दिया, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब मैं इसको जब मैं खोलूंगा माइनस दिस इनटू दिस माइनस माइनस वन प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, है ना, तो मतलब ये ऐसा लिखेगा देखो, समेशन ऑफ आर स्टार्ट फ्रॉम वन गोज टू 50 टू आर का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ आर स्टार्ट फ्रॉम वन गोज टू 50 टू आर का स्क्वायर, है ना, एंड दिस माइनस दिस प्लस विल बिकम माइनस माइनस समेशन ऑफ आर स्टार्ट फ्रॉम वन गोज टू 50 वन का समेशन एंड माइनस माइनस प्लस समेशन आर स्टार्ट फ्रॉम वन गोज टू 50 फोर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो मैं देख सकता हूं ये और ये कैंसिल हो गया, है ना, ये और ये माइनस साइन है ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा दिस एंड दिस। तो अब देखिए यहां माइनस साइन है ये माइनस साइन है, एक से लेकर पचास का एक का समेशन कितना हो जाएगा पचास हो जाएगा, है ना, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन अप टू पचास बार कितना आ जाएगा पचास, और इसका समेशन करने के लिए चार को बाहर करिए, आर का समेशन वन से लेकर पचास तक नेचुरल नंबर मतलब पचास इंटू पचास प्लस वन फिफ्टी वन डिवाइडेड बाय हो जाएगा आर का समेशन वन से लेकर एन तक एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय। तो अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, तो यहां से टू से फोर टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस पचास प्लस टू इंटू फिफ्टी हंड्रेड, हंड्रेड इंटू फिफ्टी वन, फिफ्टी वन हंड्रेड, तो माइनस फिफ्टी प्लस फिफ्टी वन हंड्रेड इज फाइव जीरो फाइव जीरो आंसर, फिफ्टी फिफ्टी हमारा आंसर आ जाएगा फाइव थाउजेंड फिफ्टी, है ना, ये हमारा आंसर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको मैंने ए माइनस बी होल स्क्वायर से खोला तो ये ऐसा लिखा, फिर सेपरेट 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 किया तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये दो बचेंगे उसका समेशन आपके सामने मैंने कर दिया, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा फाइव जीरो फाइव जीरो, ठीक है। तो ये था आज सबमिशन पे बेस्ड, हमने कुछ एग्जांपल किए बेसिक एग्जांपल्स, और ये लास्ट वाला एग्जांपल थोड़ा सा अच्छा था कंसेप्चुअल था, यहाँ पर आपको देखो सीरीज देखकर सबमिशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सीरीज का पैटर्न देखना फिर उसको नाम देना सबमिशन वाला, है ना, ये नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यही पूरा खेल है, ठीक है। तो चलिए बेसिक कवर किया हमने कुछ क्वेश्चन के मीडियम से, इस टॉपिक को आज पढ़ा अच्छे से समझा, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इसके बेस कुछ अच्छे हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे, और सबमिशन स्पेशल सीरीज भी मैं बताऊंगा आपको, साइन सीरीज कॉस सीरीज ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज जो होती है उनका सबमिशन कैसे किया जाता है ना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, रिवाइज करते रहिए मैक्सिमम टाइम, घर पर यूटिलाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस मत छोड़िए, और जहां डाउट होता है वहां पर आप उससे कंसल्ट कभी भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो बाय।